दिन हाँ जैसे आज गए आज दर्शन किया कल आ गए शाम तक हाँ। और सही जो भी कुछ होगा एकदम सही जानकारी नहीं गिरा, ये रोड गिली दिख रही होगी, ये जो अलग अलग है ये देखो स्कैम कर देंगे वो 100-200-800 रुपए में, वो स्कैम कर देंगे वो 100-200-800 रुपए में। गाइस आप सबका नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है और अभी हम हैं ऋषिकेश में और यहाँ का ये जो बस स्टॉप है ये देखो ये कुछ ऐसा बस स्टॉप है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो श्रद्धालु लोग आते हैं अपना बस बुक करके तो वो देखो अपना जो है खाना बना रहे हैं इधर इधर इसी तरह के और ऐसे ऐसे रूम बने हैं, अगर जिसको रुकना है रुक भी सकता है रात में, ऐसा है कुछ भाई नज़ारा है इधर से ये देख सकते हो। तो अभी क्या है हमको टैक्सी मिल नहीं रही, अभी हमारी बात हुई है उनसे तो बोल रहे हैं शाम तक चलेंगे, अब जैसा कुछ होता है देखते हैं, अब क्या बता रहे हैं अभी फिर आए बोल रहे हैं कि 7 सवारी 5 तो जैसा भी कुछ होता है तो हम बताते हैं। तो अभी जो है हमको गाड़ी मिल चुकी है यहाँ से केदारनाथ के लिए, तो अब केदारनाथ चल रहे हैं, थोड़ा सा जैसे कि 750 रुपये में बात हुई थी एकदम से चेंज कर देते प्लान, भी बोलते हैं 800 रुपया पर 800 रुपया दे करके इनको जो है जा रहे हैं और मजबूरी भी है, अगर जो तुम्हें बात करेंगे कि 600-700 रुपये में भी बोलेंगे तुमको ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी नहीं इस तरह करके तुम्हारा रहेगा। तो भी भाई हम यहाँ गाड़ी में बैठे ही देखो ऐसी बोलोरो है कुछ, तो अब चलते हैं और रास्ते का भी तो भाई अभी यहाँ पे जाम लगाता है तो हम जो है अपनी गाड़ी से उतर के और पैदल चल रहे हैं, ये देखो इतना लंबा इधर से जाम लगा है तो पैदल चलते हैं और हवा खाते हुए चल रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। भाई ये देख सकते हो ऐसा कुछ नज़ारा, बहुत भीड़ है इस समय ये देखो इधर से भाई, अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और अभी भी हमको पहुँचने में शायद 12 रात के बस जाएंगे और ये देख सकते हो पीछे पूरा रात हो चुकी है, ये देखो इधर इधर दुकानें हैं पीछे कुछ होटल हैं इधर। तो भाई अभी हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और यहाँ से दो नदियों का संगम दिखाते हैं जो अलग अलग हैं, ये देखो देवप्रयाग और एक ये नदी उधर से, रात काफ़ी की वजह से जो है सही से नहीं दिख रहा है, दोनों का पानी एकदम अलग अलग दिखता है, इसका पानी अलग और इसका पानी अलग अलग, ये भाई देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा, ये देखो देवप्रयाग पौड़ी, ये देखो भाई ये देख सकते हो इधर से, ये देखो आ रहे थे हम रास्ते में रुके और भाई कुछ ऐसा नज़ारा है ये देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा कुछ, ये दो नदियों का संगम है इधर भाई, रात है अगर हम वापस आएंगे तो फिर दिन में दिखाएंगे, दोनों का पानी एकदम अलग अलग दिखता है एकदम, एक अलग ऐसे और एक ऐसे, आगे से कुछ ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है इधर से भाई, ये देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा ये देखो, और थोड़ा सा हम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, आगे चल के दिखाते हैं कैसा यहाँ का नज़ारा है और अभी हमको जो है वहाँ पहुँचने में रात के 12 बज जाएंगे। पहुँचते पहुँचते भाई ये देखो थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा हम सोच रहे हैं कि वहाँ से अच्छे से दिखेगा उस जगह से भाई, ये देखो दोनों नदियों का संगम, ये देखो इधर से और इधर से कुछ भाई ऐसा नज़ारा दिख रहा है एकदम, दोनों का पानी भी अलग अलग दिखता है ये देख सकते हो भाई, काफ़ी रात हो गई कैसा दिख रहा है ये देखो इधर से, और ये हाईवे अपना है भाई, रात का नज़ारा देख लो देवप्रयाग का भाई कुछ ऐसा देख लो, ये देखो एकदम कैसा दिख रहा है बद्रीनाथ अभी श्रीनगर और ये हड़की पौड़ी पाँ पौड़ी ये है, और भाई ये कुछ ऐसा नज़ारा देख सकते हो ये इधर का, वो एक होटल है और ये भाई ऊपर भी घर है, ये देखो इधर एक ये टावर है और भाई ये अपनी गाड़ी खड़ी है बुलोरो, तो भाई इससे चलते हैं भाई। तो भैया जो अभी हम यहाँ होटल में रुके थे तो खाना वाना खा लिया है, 100 रुपए की थाली थी ठीक थी, और खाना वाना खाने के बाद ये देखो भैया पूरा भी हाईवे है और रात में पहुँचेंगे जैसा कि बताया कहो 12 बजे के बाद ही पहुँचेंगे और फिर देखते हैं वहाँ पर चल करके कैसा क्या होता है माहौल वो हम बताएंगे सुबह। भैया अब यहाँ जो है ठंडी लगना शुरू हो गई, इसलिए हमने जो है जैकेट पहन लिया हल्की हल्की ठंडी, और आगे तो एकदम खतरनाक ठंडी हो गई, अब इधर अंधेरा हो गया पीछे चल रहे हैं होटल। भैया अभी जो है रात के 1 बज गए हैं और अभी ये देखो ये रोड है पूरी और यहाँ से ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही कि आगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने वाली है, अंदर से एकदम जो है ना शरीर तक पूरा काँप रहा है यहाँ पर, और आगे तो एकदम बर्फ़ बर्फ़ पूरा, अभी भी यहाँ से 20 पानी भी गिरा है यहाँ पे पूरे रोड पर, और बाहर से भी दिखाते हैं कैसा नज़ारा है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं ये देखो भैया, ये देखो ऐसा माहौल है पूरा, ये देखो सब दूर दूर तक का सब कुछ इधर बंद दिख रहा है, कारगिल शहीद
भगत सिंह, ये भैया कुछ दिख रहा ना रात में, ये देखो केदारनाथ मार्ग और ये कुछ रुद्रप्रयाग पुलिस इधर। तो ये भैया ऐसा, ये देखो इधर से कुछ नज़ारा, ये देखो इधर से ये पूरी रोड, ये देखो पानी गिरा, ये रोड गीली दिख रही होगी, ये देखो इधर से। और भैया ये देखो ये अपनी गाड़ी खड़ी है। अब समझ सकते हो कि हम कितने बजे शाम को चले थे, 5:30 बजे चले थे और रात के 1 बज गए। कितना समय लग गया और अभी भी 1 घंटा के ऊपर लगने वाला है, उसके नीचे नहीं लगेगा। ये देखो बस भैया, इसके पीछे कोई झील उल है, बहुत तेज़ पानी की आवाज़ आ रही है। ये देखो भाई इधर कैसा माहौल है, और ये पहाड़ी दिख रहा होगा दूर दूर तक, तो वहाँ चलेंगे इधर से भाई, बहुत कर रहा है एकदम। ये सब देखो दुकानें बंद है, ये देखो ये होटल है, हाँ ये होटल है इधर ही दिख रही है, देखो ये लिखा है। बहुत ज़्यादा ऊपर तो केदारनाथ में इतनी ज़्यादा ठंडी होगी तो अंदर से ना एकदम हिला देने वाला, कैसा क्या होता है। अब भाई बने रहो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ये देख सकते हो यहाँ से रुद्रप्रयाग, हाँ हमें जाना है रुद्रप्रयाग 75 किलोमीटर, सॉरी हमने गलत बताया कि 20 किलोमीटर। और ये आप देख सकते हो पूरा भाई बोर्ड लिखा है, ये देखो। और ये कुछ इधर ऐसे रास्ता गई है भाई जो कि हमने दिखाया है। ठंडी बहुत ज़्यादा, गाड़ी के अंदर चलते हैं, कहा है कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, एकदम हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है हमारी। कितना ज़्यादा अंधेरा है ये देखो इधर से, ये देख सको इधर, ओ ये देखो भाई पूरा अंधेरा ही दिख रहा है दूर दूर तक, ये देखो इधर से भाई। अभी जो है हम सोनप्रयाग आ चुके हैं और सुबह के बज चुके हैं, कितने बज गए हैं एक मिनट टाइम दिखाओ भाई, 2:48 देख सकते हो। तो भाई 2:48 हो गए हैं, अब 3 बजने ही वाले हैं, अब यहाँ से चलेंगे आगे। और ठंडी बहुत ज़्यादा है, टोपी ओपी लगा लिया है भाई। और ये अपनी ये बुलोरो इस गाड़ी से आए थे, और यहाँ जो है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने चल रहे हैं, अब चलते हैं। ये कितने मेंबर? 8 मेंबर, 8 मेंबर, 8 आदमी। ये बताइए यहाँ पे लॉकर मिल जाएगा? लॉकर सोनप्रयाग में। यहाँ से सोनप्रयाग कितनी दूर होगा? सोनप्रयाग 2 किलोमीटर मिल जाएगा। वहाँ पे जैकेटें भी किराए मिलती है ना? जैकेटें मिल जाएगी वहाँ, सब मिल जाएगा। अभी खुली होगी मार्केट? बस मिल जाएगा। बस स्टॉप के पीछे, बस स्टॉप के आगे है कि पहले रोड में जाओगे ना? हाँ इधर साइड में, हम ना भी बोलेंगे पूछ लेना। अच्छा अच्छा ठीक भाई, धन्यवाद। तो भैया कुछ ऐसा माहौल है, ये देखो पूरी रास्ता है, और अभी हम चल रहे हैं आगे गौरी कुंड के लिए, और वहीं पे ऑटो से वही क्या टैक्सी से अपना उतर गए थे। ऐसा ही कुछ रात का माहौल है, 3:30 बज गए हैं अभी। ये भाई देख लो इधर, बैग रख जाएगा ना? कितने रुपये पड़ेगा इसका? पड़ेगा आपको 100 रुपये। एक दिन का? दो दिन का। और 3 दिन हो जाएंगे? 3 दिन, हाँ। जैसे आज गए, आज दर्शन किया, कल आ गए शाम तक, परसों सुबह तक आ गए तो नहीं बना, अब परसों आए उसका चार्ज लगेगा। अच्छा, तो ये नाम हम लिखोगे ना? हाँ, पर्चा लेंगे। पर्चा तो ठीक है। और ये जैकेट मिल जाएंगी इधर? जैकेट मिलती हैं, वो कैसे क्या मिलेंगी जैकेट, गर्म कपड़ा? अब वो मार्केट में दुनिया भर की दुकान है बहुत, आगे मिल जाएगा। वो जो बना है वो क्या कहा जाए, वो जो पक्का वाला बना है, मिल जाएगा उसके आगे बिल्डिंग के। देख लो कितनी लंबी लाइन लगी है, सुबह 4 बज गए, ये देखो काफ़ी 1 किलोमीटर पीछे से लाइन लगी, और ये पूरी लाइन आगे तक लगी है, ये देख सकते हो भाई, ये देखो लाइन पूरी। और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ऊपर तक जाओगे क्या सामान लेकर के? केदारनाथ तक नहीं, हाँ गौरी कुंड तक। आएंगे गौरी कुंड से? हाँ गौरी कुंड से मिल जाएगा। कितने रुपए लेते हैं भाई? ये देखो खच्चर आ रहे हैं, गौरी कुंड तक जा रहे हैं इधर से। ये रास्ता भाई कुछ ऐसी है, देख सकते हो, ये देखो भाई, ये देखो इधर से। तो दोस्तों आप समझ रहे होगे कि हम इतनी जल्दी कैसे आ गए रात में, वहाँ पे 4 बजे लाइन कम से कम 5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। पर भाई हम लाइन से नहीं, थोड़ा सा अपना शॉर्ट कर रास्ता से निकल के आ गए, तो जो है हम इतनी जल्दी आ गए। नहीं यहाँ तक गौरी कुंड तक आज आने के लिए कम से कम दिन के 12-1 बज जाते हैं। हाँ सांस भी फूल रही है,
तो 12-1 बजे पर वही समय हमने शॉर्ट कर करके बातचीत कर करके अपना धीरे धीरे करके आ गए भाई। अब ऐसी है भाई ये रास्ता है, ये देखो इधर ये रास्ता है, इधर से चढ़ेंगे ऊपर की तरफ। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये देखो इधर भाई, ये देखो इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देख सकते हो ये दोस्तों। अभी हम केदारनाथ का जो है ट्रैक कर रहे हैं और अभी यहाँ से जो है केदारनाथ अब 12 किलोमीटर दिखा रहे हैं, पर अभी जो है काफ़ी हमको लगता है ज़्यादा दूर होगा, काहे कि हम सोन प्रयाग से जो है ट्रैक करके आ रहे हैं इधर से, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और भाई अगर आपको यहाँ चलाओ भाई, हमारे बच्चे अलग हैं यहाँ पे। अगर केदारनाथ में अगर आपको पल पल की अपडेट लेना है तो आप जुड़े रहिए, एक एक पल की अपडेट देंगे एकदम जेन्युइन और सही, जो भी कुछ होगा एकदम सही जानकारी मिलेगा। और भाई वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर देना, और तब तक हम दिखाएंगे अभी क्या होगा, एकदम एक एक पल का लाइव अपडेट देंगे भाई।